हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है और आज सी शार्प के जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक स्टैटिक वेरिएबल और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखें। ओके, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की, तो सबसे पहला डिफरेंस एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आता है कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हमें कोई सेपरेट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, और एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ विदाउट एनी कीवर्ड। सॉरी, आप देख सकते हैं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए। कुछ पैरामीटर दे देते हैं इन्हें, इंटीजर पी, इंटीजर क्यू। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि मुझे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लास के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम लोग नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जिसमें आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर आता है। बट क्वेश्चन उठता है कि हमें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था और उस वेरिएबल के केस में मैंने ये बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन एक क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग से पहले होती है। इट मींस कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से भी पहले जो स्टैटिक वेरिएबल है उनकी इनिशियलाइजेशन होती है। तो उस केस में अगर वो इनिशियलाइजेशन मुझे किसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवानी है, क्योंकि नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अगर मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट से पहले जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल बन रहा है उस वेरिएबल को मुझे इनिशियलाइज करवाना है, तो उस केस में मुझे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमारा तब कॉल होता है क्लास फर्स्ट टाइम हमारी मेमोरी में लोड हो जाती है। तो उस केस में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का काम होता है स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना। तो सपोज मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक इंटीजर के, और दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिए पब्लिक इंटीजर एक्स एंड वाई। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, जैसे मैंने किया के इक्वल टू फाइन। अब इसी में एक और डिफरेंस भी इसमें ऐड हो जाता है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज ओनली स्टैटिक वेरिएबल। मींस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहूँ, सपोज मैं एक्स को वैल्यू देना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इंटेलिजेंस बॉक्स में मुझे एक्स नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकते। बट इसके ऑपोजिट जो हमारा नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है, मीन्स जो हमारे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होते हैं, उन कंस्ट्रक्टर में हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड हम इसी के साथ साथ स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज ओनली स्टैटिक वेरिएबल, बट नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, क्लियर? अब इसी के साथ जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई पब्लिक प्राइवेट कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। आप कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ले लेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है
वो क्लास के लोडिंग के टाइम पर होती है, तो इट मींस कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को प्रोग्राम के थ्रू कॉल नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो हमारे नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होते हैं उन कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर होती है। मींस जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पर इन कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है, तो इन कंस्ट्रक्टर को प्रोग्राम के थ्रू कॉल करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने यहाँ पे पास किए दो पैरामीटर, तो ये मेरे नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग है, लेकिन अपने प्रोग्राम के थ्रू हम लोग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, अगर मैं इसे एक पैरामीटर देना चाहूँ तो वहां मुझे एरर जनरेट हो जाएगा। आप कर्सर लेके जाइए, आप देखिए, अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस, इट मींस कि मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पैरामीटर पास करने के लिए हमें ये पैरामीटर देना होगा, इस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग प्रोग्राम के थ्रू करवानी होगी, जो हो नहीं सकती है। दिस इज द रीजन कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर नहीं दिया जा सकता। अब क्योंकि इसे पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं तो इसकी ओवरलोडिंग भी नहीं हो सकती है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी ओवरलोड। लेकिन अगर हम नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसे हम लोग पैरामीटर भी दे सकते हैं और उसे हम लोग ओवरलोड भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार मैं उन क्वेश्चंस को लेकर वीडियो बना सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी वीडियो के ऊपर आपको टेक आइटम का लोगो दिखेगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।